राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसके वेरिएंट की बात करें तो प्रीमियम वाला है, 2024 के अंदर अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। स्कूटर के अंदर आपको तीन डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आज जो मेरे साथ है ये ब्लू कलर है। इसके अंदर स्कूटर के साथ में ऐसी आपको दो कीलेस की देखने के लिए मिल जाती है। इस की के अंदर एक आपको फीचर मिलता है जो यहाँ बटन दे रखा है, तो ऐसे इसको आप दबाएंगे तो आप पार्किंग के अंदर कहीं खड़ा रहेगा आपका स्कूटर, तो इसको ढूंढने के अंदर ये मदद करेगा। चाबी को रख लेते हैं जेब के अंदर और दूसरी भी आपको सेम देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर फ्रंट की तरफ बात करें तो यहाँ मिल जाता है आपको पूरा LED सेटअप। यहाँ मिलती है आपको इसकी DRL और अंदर की साइड में देखेंगे यहाँ पे चेतक का लोगो बना हुआ। इसके अंदर आपको काफ़ी जगह सी टाइप का चेतक देखने के लिए मिलेगा, जिसके आगे मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। मेन लाइट की बात करें तो ये आपको पूरी LED मिल जाती है, हाई और लो बीम के लिए व्हाइट लाइट के साथ में। नीचे की साइड में नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। ये जो साइड देख रहे हैं ये इसके अंदर आपको एक एसेसरी पार्ट है जिसकी कॉस्ट आपको 3000 रुपये की मिलती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाती है साइड क्लैडिंग, यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाता है और पीछे की साइड में देखने के लिए मिल जाता है और एक सीट कवर मिल जाता है। तो आपको तीन चीज़ें मिल जाती है 3000 के अंदर। यहाँ पे आपको चेतक लिखा हुआ मिल जाएगा, मरगार्ड यहाँ मिल जाता है, ये भी एसेसरी पार्ट है। फ्रंट के टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये 90-90 12 इंच का आपको एलोवे देखने मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है कंबाइनिंग ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। फ्रंट की शोकर की यहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाती है। इसके फ्रंट शोकर की बात करें तो ये मिलता है आपको साइड लीडिंग लिंक वाला आपको शोकर देखने को मिलता है सिंगल। इधर बात करें इधर से ऐसा कुछ लुक देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे इंडिकेटर की लाइट यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, ये भी आपको LED मिल जाती है। टर्निंग इंडिकेटर की लाइट के लिए यहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल। और यहाँ पे मिल जाता है एक आपको हुक जिसको आप प्रेस कर रखेंगे तो यहाँ पे 3 kg का वेट टाक सकते हैं ईजिली। और यहाँ पे आप पैर रखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे के फुटरेस्ट यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे मिल जाता है आपको ग्रैब हैंडल। पीछे से लुक दिखा देता हूँ और यहाँ मिल जाती है इसकी LED लाइट। टर्निंग इंडिकेटर लाइट भी यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, तो रियल लाइट यहाँ देखने के लिए मिलती है। यहाँ आपको दो नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिलते हैं। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। नंबर प्लेट की लाइट भी आपको LED देखने मिलती है। यहाँ चेतक लिखा हुआ मिल जाता है इसके अंदर। ओवरऑल बैक से कुछ प्रोफाइल और ये इसकी साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है इधर से। तो इसकी कर्व वेट की बात करें तो 134 kg का इसके अंदर कर्व वेट मिलता है। और सीट की हाइट की बात करें तो 760mm की हाइट देखने के लिए मिल जाती है। मेरी हाइट 5'11" है तो इजीली मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर पैर रख सकते हैं आराम से, उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत और स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड में यहाँ पे मिलता है एक यूनिक जिसको यहाँ बटन दे रखा है, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर आपको जो पोर्टेबल चार्जर है वो रखने के लिए स्पेस मिलता है। इस डिग्गी के अंदर मैं आगे बताऊँ कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्पेस यहाँ रखने के लिए मिलता है, चार्जर यहाँ फर्स्ट एड किट के लिए मिलता है। यहाँ मिल जाता है आपको एक USB पोर्ट जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और थोड़ा सा स्पेस और देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको फ्रंट टायर में कितनी हवा रखनी है, पीछे कितनी रखनी है, तो ये चीज़ आप पढ़ के अब आराम से हवा भी भरवा सकते हैं। इसको करते हैं बंद और ये यहीं से ऑपरेट होता है। और इसके अंदर साइड स्टैंड के अंदर वही टेक्नोलॉजी मिलती है, जब तक आपका साइड स्टैंड हटेगा नहीं तो अब तक आप इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ नहीं ले सकते। और इस बटन को वापस आप होल्ड प्रेस करके रखेंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप इसका बूट भी एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और जैसे ही इसको बूट ओपन करेंगे टू टू करके इसके अंदर साइन आवाज़ आएगी आपको। 18 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको LED लाइट देखने के लिए मिल जाती है, चार्ज यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, चार्जर कुछ इस टाइप से, फर्स्ट एड किट और जो स्कूटर की मैनुअल डायरी है वो यहाँ देखने के लिए मिलती है। चार्जर फटाफट दिखा देता हूँ मैं आपको। चार्जर का आउटपुट निकलता है 650 वोल्ट का, तो इसको करते हैं बंद। और यहाँ पे मिल जाता है आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ लगाने के लिए, चार्जर यहाँ प्लग होगा आपका। और इसके अंदर एक साथ ही साथ एक काफ़ी सॉफ्ट टच में आपका बूट बंद होगा, देख सकते हैं कितने स्लोली बंद होता है, ऐसे नहीं भट करके बंद हो जाएगा। और इसके अंदर चेतक की तरफ से आप इसको एक अंदर हेलमेट भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको करते हैं इसे पुश करके बंद। यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का वो सीट कवर देखने के लिए मिल जाता है। आराम से इसे कुशनिंग के बैठ के बताता हूँ कैसा क्या मिलता है। तो कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ, काफ़ी अच्छी है कुशनिंग में कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यहाँ मिलता है आपको इसके अंदर बटन ऑन करने के लिए, एक बार प्रेस करके रखेंगे तो आपका क्लस्टर ऑन हो जाएगा कुछ इस टाइप से और चेतक बना हुआ लिखा हुआ आएगा आपको। तो यहाँ मिलता है आपको 5 इंच का कलर डिस्प्ले, इसके सारे कंट्रोल यहाँ पे हैं और एक आपको यहाँ देखने को मिलता है। हॉर्न का साउंड सुना देता हूँ कैसा मिलता है इसके अंदर, तो ऐसा कुछ हॉर्न का साउंड देखने के लिए मिलता है। इसका जो कंट्रोल करने के लिए बटन्स है आपको तीन इधर मिलते हैं, तीन कंट्रोल आपको इधर देखने को मिलते हैं। यहाँ मिल जाता है आपको लाइट के हाई और लो बीम के लिए, इधर मिलता है टर्न इंडिकेटर लाइट के लिए तो जिस टाइप से, यहाँ पे ऑन के लिए मिलता है, ये बैक जाने के लिए मिलता है, इसकी DRL ऑफ करके ऑन करने के लिए ऐसा मिल जाता है आपको। यहाँ रिवर्स बटन दे रखा है आपको रिवर्स में लेना उसके लिए। यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स के लिए मिल जाता है, दो आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं इको और नॉर्मल के लिए। और यहाँ पे आपको इसके अंदर एंटर करने के लिए ही है और इधर इंडिकेटर के लिए यहाँ देखने मिलता है। अब यहाँ पे भी आपको चेतक का बना हुआ लोगो मिलता है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल पे भी देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है, साइड के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी जगह इसके अंदर चेतक का आपको लोगो देखने के लिए मिलेगा। मिरर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं, बॉडी कलर ही
और मिरर की फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अंदर जो यहाँ पे लीवर है बैक वाला, इसके अंदर ये बटन मुझे काफ़ी यूनिक लगता है। नॉर्मल जो एक्टिवा होती है हमारी, उनके अंदर क्या करते हैं कि उसको ऐसे प्रेस करके यूँ लगाना पड़ता है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको उसको करना है और ये लग जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इसे क्लस्टर की, तो ये आपको कलरफुल मिलता है। अब इसके अंदर भी एक फैक्ट है, अगर आप इसको जब परचेस करते हैं, जब न्यू परचेस करते हैं, तब एक महीने के लिए फ्री रहने वाला है, जब तक ये कलर ही रहेगा। और आपके हील्ड होल्ड के लिए जो आपको दो मोड मिलते हैं, एक को नॉर्मल, वो आपके अंदर रहेंगे, नेविगेशन, म्यूज़िक, ये टर्न बाय टर्न सारी चीज़ें रहने वाली है। अगर ये एक्सपायर होता है तो उसके बाद आपको 9,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद इसके रिन्यू होगा, 5 साल तक वैलिड रहने वाला है, तो उसका 9,000 रुपये लगता है। वो टैग पैक के नाम से आता है, तो उसको आप परचेस करना पड़ेगा, और मेरी माने तो परचेस करके रखें, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट जो रहेगी वो अच्छी नहीं लगेगी, और सारे जो फंक्शन है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको जैसे नीचे वाला बटन दबाऊंगा तो इसके मेन्यू में आ जाएंगे, और इसके अंदर एंटर करने के लिए इस बटन दबाना पड़ेगा। जैसे डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर थीम आती है आपको दो, एक ऐसी देखने मिलती है और एक ऐसी मिलती है। जैसे उसके नीचे करेंगे तो यहाँ ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। बैक जाने के लिए यहाँ मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए देखने के लिए मिल जाता है, आपको सेटिंग के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ इससे फ़ोन कनेक्ट करना उसके लिए सेटिंग मिल जाता है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वो डिवाइस के लिए मिल जाता है। इसको बैक जाते हैं अपन, ऐसे बैक चल जाएंगे वापस। अब मेन बात करते हैं इधर के लिए, तो यहाँ आ जाता है आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, वापस के बैक जाते हैं। ऊपर करेंगे तो यहाँ आपको नेविगेशन के देखने के लिए मिल जाता है, और इसको वापस बैक करता हूँ मैं, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन का आ जाए, कोई एरर आता है स्कूटर के अंदर वो देख सकते हैं, वार्निंग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो फ़ोन और आपके SMS के लिए देखने के लिए मिलेगा। इधर बात करें इसके मेन की, तो यहाँ से मोड चेंज होते हैं, जैसे एक बार ऑन करता हूँ मैं, आपको कुछ नहीं करना, ब्रेक प्रेस करना है, आपके बटन्स को दबाना है आपको, तो यहाँ पे इको मोड आ गया है, अब इसको चेंज करना है स्पोर्ट्स मोड के लिए, तो ऐसे कुछ इस पर ग्राफिक्स भी चेंज होंगे आपको। और इसका आपको रिवर्स बटन यूज़ करना है, मतलब रिवर्स में स्कूटर लेना है तो कुछ नहीं करना, प्रेस करके रखना है इसको, तो ऐसे आप इसको रिवर्स भी ले सकते हैं, और वापस कुछ नहीं करना, एक बार इस बटन दबाना है तो वापस आपको आगे चलने के लिए हो जाएगी। अब बात करें यहाँ क्या क्या ऑफर करा गया है, तो देख सकते हैं इधर आपको बैटरी के लिए देखने को मिलता है, और इधर मिलता है आपको ऑडोमीटर पे रेंज, यहाँ आपका अभी चेतक स्कूटर बना हुआ आ जाएगा, यहाँ आपको इंस्टेंट डिजिटल स्पीड देखने मिलती है, यहाँ रेंज देखने मिलता है, यहाँ पे आपको कितना बैटरी चार्ज है वो देखने को मिलता है, इको मोड पे तो वो भी देखने के लिए मिलता है, यहाँ ड्राइव पे है अभी तो वो देखने को मिल जाएगा। इसको मैं एक बार ऑफ करता हूँ, तो एक बार ऐसे प्रेस करेंगे तो ये न्यूट्रल पे आ जाएगा, और इसको दो बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा इसके अंदर, कुछ इस टाइप से। और स्कूटर आपको लॉक करना है तो कुछ नहीं करना है, मैं देख सकते हैं अभी स्कूटर अनलॉक है, इस बटन को दो ज़्यादा प्रेस करके रखेंगे हार्ड कुछ सेकंड तक, तो आपका स्कूटर लॉक भी हो जाएगा। और वापस अनलॉक करना है, एक बार प्रेस करेंगे तो आपका स्कूटर ऑन हो जाएगा कुछ सेकंड के अंदर, तो ये ऐसे कुछ ऑन हो जाता है। इसको वापस लगाते हैं साइड स्टैंड पे, इसको वापस करते हैं ऑफ। अब मेन बात करते हैं इसकी फिट एंड फिनिश की, तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी मिल जाती है, देख सकते हैं सारी जगह पे प्रॉपर, यहाँ फुटरेस इधर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अंदर चाहे तो आप लेडीज़ फुटरेस भी लगा सकते हैं, वो भी एक एसेसरी पार्ट है, मेन स्टैंड चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी इसके अंदर एक एसेसरी पार्ट है। इसकी रियर प्रोफाइल की बात करें तो ये मिल जाती है आपको 90-90 12 इंच का आपको एलोवेल देखने को मिलता है, साथ साथ ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है आपको चेतक का स्टिकर इसके अंदर। इसकी मोटर जो है यहाँ प्ले स्टेज के अंदर मोटर मिलती है आपको 3.2 kWh वाली, साथ ही साथ जो पावर प्रोड्यूस करती है 4200 वोल्ट प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो इसकी जनरेट करती है वो करती है 4000 वोल्ट की। मोटर की बात करें तो ये मिलती है आपको BLDC वाली, साथ ही साथ ये हब मोटर मिलती है BLDC यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट वाली, मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है 20 Nm टॉर्क। इसकी ड्राइविंग रेंज की बात करें तो 127 किलोमीटर की मिल जाती है, टॉप स्पीड की बात करें तो 73-79 की मिल जाती है आपको टॉप स्पीड। चार्जिंग आउटपुट की बात करें तो 650 वोल्ट का करता है, जो चार्जर इसको फुल चार्ज कर देता है 4.5 घंटे के अंदर कर देता है। इसका रियर के अंदर आपको मोनो शॉक देखने के लिए मिल जाता है, शॉकर की बात करें तो। अब बात करें इसकी वारंटी की, बात करें तो इसके अंदर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है 50,000 किलोमीटर के साथ में, और बैटरी की जो वारंटी मिलती है वो आपको मिलती है 7 साल की। अब इसकी एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो ये आपको प्रीमियम वाला स्कूटर मिलता है एक्सशोरूम 1,35,463 रुपये जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।